तो इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ फनटच ओएस 12 के साथ में आने वाले जो भी एरर एंड बग्स है उसके बारे में बात करूंगा। फनटच ओएस 12 को मैंने वीवो के V20 में लास्ट 7 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें तो फीचर्स ऐड किए गए हैं बट यहाँ पर कुछ मेजर बग्स एंड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फीचर्स और बग्स दोनों बताया था, लेकिन 7 दिनों यूज़ करने के बाद मेरे को क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई है वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोग को यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी आप लोग को यहाँ पर मैं बता दूंगा कि आपको एंड्रॉइड 12 अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को अभी भी यहाँ पर नहीं मिला है वीवो V20, V20 Pro, V21e जो भी डिवाइस है वी सीरीज के, वो सब में धीरे धीरे मिलना चालू हो गया है और धीरे धीरे करके कुछ दिनों में यहाँ पर सबको मिलता जा रहा है। तो मेरे को 7 दिन पहले मिला है तो मैं इसको 7 दिन पहले से यूज़ कर रहा हूँ और 7 दिनों में इसको अच्छे से यूज़ करते करते मेरे को एक्सपीरियंस हो गया इसका कि फनटच ओएस 12 बेटर था या फिर एंड्रॉयड 12 बेटर था। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको स्किप नहीं करना है। तो हमेशा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव जेन्युइन एंड ट्रू कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, अगर कोई भी दिक्कतें आएंगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो, हमेशा आपको वहाँ पर हेल्प करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो मेरा लेटेस्ट अपडेट है फनटच ओएस 12 वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है विथ एंड्रॉयड 12। तो चलेंगे अब यहाँ पर जो 5 मेजर बग्स और एरर्स है जो मैं फेस कर रहा हूँ लास्ट 7 दिनों से वो आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया है एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बाद, फनटच ओएस 12 नहीं एंड्रॉयड 12, फनटच ओएस 12 और दूसरे डिवाइस में है वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। सबसे पहला प्रॉब्लम है आपको जब भी आप ड्रॉअर मोड में आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करोगे तो वहाँ पर आपको लैग एंड जिटरिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा लगेगा आपका जो डिस्प्ले है वो 60Hz से लेकर के यहाँ पर 30Hz पर स्विच हो गया। कभी कभी आपको ऐप ओपनिंग टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और जब फ़ोन को पावर अप से ऑन करोगे तो वहाँ पर लोडिंग लेने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका फ़ोन जो है एक तरह से लगेगा कि मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है या फिर फ़ोन बहुत ही स्लो काम कर रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैं फेस किया हूँ और इसको अपडेट देकर फिक्स करने की बहुत ही ज़रूरत है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, सीधा बात कर लेते हैं अगले प्रॉब्लम्स की। तो अगला प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर है कि जब भी आप क्रोम ब्राउज़र खोलोगे तो क्रोम ब्राउज़र जानती हो कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र है हर यूट्यूबर या फिर हर नॉर्मल आदमी के लिए। जब भी आप न्यू टैब में क्लिक करोगे तो न्यू टैब में आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं खुलता है, वो जाकर के एक तरह से फंस जाता है, अटक जाता है। जब भी उसको बार बार 4, 5, 6 बार अगर बैक करोगे तो बैक करने के बाद क्या होगा, वो जाकर के वो क्रैश हो जाता है, समझ गए। तो इसके लिए क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिला है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये देखो 4 से लेकर 5 बार 6 बार बैक किया, देखो बैक किया फिर भी नहीं हो रहा, ज़्यादा काट रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, फिर बैक कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। अब देखो ये ऑटोमेटिक ये क्रैश हो गया यहाँ से। और इसका स्टोरेज वगैरह जाकर क्लियर मैंने कर दिया, अंदर जाकर के सेटिंग में जाकर क्लियर कैच एंड स्टोरेज सब कुछ करके देख लिया, डिसेबल करके कर दिया, फिर कोई यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब डार्क मोड ओपन करोगे तो डार्क मोड ओपन करने के बाद जब क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे तो वहाँ पर क्रोम ब्राउज़र जल्दी खुलेगा ही नहीं। तो डार्क मोड एंड नॉर्मल मोड दोनों मोड में आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में बहुत ही दिक्कतें आ रही है, फिर भी यहाँ पर बैक कर रहा हूँ, बार बार मैं बैक कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बैक करने पर भी ये ओपन नहीं हो रहा। अब देखो फिर यहाँ से क्रैश हो गया, कभी ओपनिंग करने में प्रॉब्लम्स आती है या फिर कभी आपको न्यू टैब ओपन करने में प्रॉब्लम्स आती है। मैंने इसको सारा कुछ ट्राई कर लिया फिर भी कोई सॉल्यूशन यहाँ पर इसका नहीं मिला। अब चलेंगे यहाँ पर तीसरा जो प्रॉब्लम है, सबसे जो आपको वाईफाई सेटिंग है ना, वाईफाई कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब भी आप यहाँ पर किसी भी नेटवर्क को यहाँ से आप कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद एक तो नेटवर्क आपको यहाँ पर बहुत देरी से शो होता है जो अवेलेबल रहता है। कनेक्ट करने के बाद जैसे कनेक्ट करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे आपके ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्टेड टू डिवाइस कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट, ये आपको थोड़ी देर देखने को मिलेगा और फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे ये ऑटोमेटिक आपको इंटरनेट कनेक्टेड दिखाएगा। तो ये कनेक्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम तक आपको यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस का ऑप्शन देखने को मिलता ही नहीं, ऐसा लिखा जाएगा नो इंटरनेट एक्सेस। तो आपको जो यहाँ पर है वाईफाई कनेक्टिविटी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसको भी अपडेट देकर के फिक्स करने की बहुत ही ज़रूरत है, मेजर इंप्रूवमेंट की इसको ज़रूरत है। अब चलेंगे यहाँ पर बढ़ेंगे, पांचवा जो आपका यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है वो है कैमरा में। कैमरा में जैसे ही आप ऑन करोगे तो पहले एंड्रॉयड 11 में क्या था, आपको 4K 60fps तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे, बट यहाँ पर रियर कैमरा से अभी इम्प्रूवमेंट अपडेट होने के बाद आप 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 60fps पे। जैसे ही आप यहाँ पर 60fps पे स्विच कर जाओगे आपका जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक 1080p पे चला जाएगा। तो आप 4K पे 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K पे आप 60fps तक ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है जो पहले एंड्रॉयड 11 में था, लेकिन अब एंड्रॉयड 12 में ये हटा दिया गया। तो ये भी मैं बोलूँगा कि एक मेजर प्रॉब्लम्स है, आपको यहाँ पर फ्रेम ज़्यादा होने चाहिए थे,
तो अब यहाँ बात कर लेते हैं आपको कि एंड्रॉइड 12 अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं नहीं सोचता आपको कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि एंड्रॉइड 12 में आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। आपके फ़ोन को सिक्योर करने के लिए नए नए फीचर यहाँ पर सिक्योरिटी को अपडेट किया गया, प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया गया है। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम्स तो जब भी कोई चीज़ नया लॉन्च होता है तो आपको प्रॉब्लम्स तो आती ही है। चाहे एंड्रॉइड 10 हो, 11 हो, कोई भी वर्जन जब नया लॉन्च होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और धीरे धीरे उसको देख कर अपडेट देकर के फिक्स किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको आजकल हैकिंग वैकिंग का ज़माना है, बहुत सारे फोन हैक वैक हो रहे हैं, इसके लिए आपको एंड्रॉइड 12 अपडेट करना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर।